फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि साउंड और क्राई में क्या फर्क है, जबकि दोनों का मतलब चीखना या चिल्लाना होती है। तो फिर कैसे समझे कि कब हमें साउंड का यूज करना है और कब हमें क्राई का यूज करना है? तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। बहुत आसान कंसेप्ट है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स, साउंड मीन्स स्पीक विद अ लाउड नॉइज। साउंड और क्राई दोनों मतलब चीखना या चिल्लाना होता है, बट दोनों में बस फर्क ये है। वर्ड साउट का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी से नाराज हों या गुस्सा हों और हम उससे तेज आवाज में बात कर रहे हों, या कोई आदमी कहीं दूर खड़ा है और आप उसे बुलाना चाहते हैं तो आप तेज आवाज में बोलेंगे ताकि वो आपकी आवाज सुने और वो आ सके। तो इस कंडीशन में हम वर्ड साउट का यूज करते हैं। एक बार और रिपीट कर दूं ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। वर्ड शाउट का यूज आप तब करेंगे जब आप किसी से नाराज हो और आप तेज आवाज में उससे बात कर रहे हो, या चीख चिल्लाकर आप उससे बात कर रहे हो, या कोई इंसान कहीं दूर खड़ा हो और आप उसे बुलाना चाहते हैं तो आप तेज आवाज में बोले या चीख चिल्लाकर बोले ताकि वो आदमी सुन सके और वो आपके पास आ सके। आइए फ्रेंड्स, अब कराई के बारे में जानें। स्पीक समवन लाउडली स्पेशली बिकॉज यू आर फीलिंग स्ट्रॉन्ग इमोशन एज अ पेन। वर्ड क्राई का यूज तब किया जाता है जब कोई इंसान दर्द में या तकलीफ में चीखता या चिल्लाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वह आदमी दर्द में चीखेगा चिल्लाएगा, यहाँ वर्ड क्राई का यूज करेंगे। मान लीजिए अगर कोई फौजी जख्मी है और वो चीख रहा है या चिल्ला रहा है तो यहाँ वर्ड क्राई का यूज करेंगे। लेकिन वर्ड साउट का यूज आप तब न करें जब आपको कहना हो कि कोई इंसान दर्द में चीख रहा है या कोई इंसान तकलीफ में चिल्ला रहा है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह कंसेप्ट समझ में आया कि साउट और क्राई में क्या फर्क है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना ना भूलना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।